हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय किचन। आज हम बनाएंगे कुछ हटके रेसिपी मिरिंडा एंड मैगी से। सुन के शौक लग रहा है ना? मैंने भी जब स्ट्रीट में खाया था तो मुझे भी शौक लग रहा था, तो मैंने सोचा कि क्यों नहीं ये शौक आपको भी दिया जाए, मतलब ये रेसिपी आपके साथ भी शेयर की जाए। तो आज हम बनाएंगे मिरिंडा मैगी। आप सोच रहे हैं कि ये कैसी लगेगी, बट बिलीव मी ये सुपर टेस्टी लगती है, सो आप लोग जरूर जरूर एक बार ट्राई करें। अब एक पैन में 2 चम्मच घी लिया है। जब घी मेल्ट हो जाए तो उसमें टोमेटो, कैप्सिकम पीस डालकर 2 से 3 मिनट के लिए सौते कर लें। यहाँ पर ऑनियन और कॉर्न भी आप डाल सकते हैं, यानी कि आप अपने पसंद की मनचाही सब्जी डाल सकते हैं। अब इसमें हम सब बेसिक मसाले डाल देते हैं। तो इसके लिए मैंने 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटी चम्मच धाना पाउडर, 1 छोटी चम्मच जीरा पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/2 चम्मच आमचूर पाउडर, 1/2 चम्मच गरम मसाला, 1 चम्मच कसूरी मेथी। अब हम मेन इंग्रेडिएंट नमक अपने स्वाद अनुसार डाल देते हैं। तो मैंने यहाँ पर 1 चम्मच नमक डाला है। अब सबको स्टर करके धीमी आंच पे 1/2 मिनट के लिए पका लें। ध्यान रहे यहाँ मसाला जो है वो जल ना जाए। अब उसमें मेन इंग्रेडिएंट मिरिंडा जाएगा, जो मैगी का टेस्ट ही बदल देगा। मिरिंडा ऐड करते वक्त गैस की आंच थोड़ी सी धीमी रखें। यहाँ पर मैंने 3 कप के आसपास मिरिंडा डाली हुई है, आप कम या ज़्यादा भी ले सकते हैं। फिर उसमें 3 पैकेट मैगी भी डाल दें और सबको मिक्स करके मैगी मसाला डाल दें। फिर मैंने थोड़ी सी मिरिंडा और ऐड कर ली है, क्योंकि मुझे थोड़ी सी रनी मैगी पसंद है, सो आप अपने हिसाब से डाल दें। अब सबको मिक्स कर लिड ढक दें और मीडियम टू हाई फ्लेम पर पकाने के लिए रख दें। बीच में एक बार मैंने लिड खोलकर स्टर कर लिया था ताकि सब अच्छे से मिक्स हो जाए। अब ढककर 5 से 10 मिनट के लिए पका लें, या फिर जब तक मैगी में से मैगी पूरी ठीक ना हो जाए तब तक आप पका लें। अब हम सर्व कर लेते हैं। क्योंकि मैगी तैयार हो चुकी है तो यहाँ पर मैंने 2 तरीके से सर्व किया है, एक सिंपल जैसे बनाया था वैसे ही, और दूसरा है चीज़ स्प्रेड करके। तो आपको ये रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपके पास भी ऐसी हटके रेसिपी है तो मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं बनाने का ट्राई करूँगी। आप ऐसे यूनिक वीडियो देखना चाहते हैं, और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा।